दोस्तों चलिए हम बनाते हैं आज एकदम सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और सुपर यमी। जो हम बनाएंगे सिर्फ दो आलू से ये टिक्की, इतना टेस्टी और यमी ये टिक्की लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, या तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बराबर समझ में आएगा। मैं एक एक ट्रिक इसमें बताऊँगा। एकदम हेल्दी नाश्ता है, डाइट वाला भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने दो आलू लिए और चलिए इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। देखिए कितना सुपर टेस्टी हमारा ये टिक्की बनेगा। बहुत ही, जो आलू नहीं खाते हैं वो आलू मत डालिए, इसको आलू स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये नाश्ता आप डाइटिंग के लिए भी ले सकते हैं। इतना हेल्दी हम बना रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर ही कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। इसलिए आलू को हमने ग्रेट कर लिया। इसी के साथ हम एक कटोरी भर ब्रेड का पाउडर बना लिया। हमने ब्रेड को दरदरा कूट लिया और हम तीन तरह के शिमला मिर्च आधा आधा कप लिया है। हरा शिमला मिर्च, रेड और येलो शिमला मिर्च, तीनों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसे हम आधा आधा कप डाल दिए। इसी के साथ हम दो चम्मच के करीब धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ देखिए, हमने एक मीडियम साइज का आलू प्याज को चॉप किए थे और लहसुन अदरक और मिर्ची को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, उसे भी हम ऐसे ही इसमें ऐड करते हैं। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देते हैं, हल्दी, जीरा पाउडर और ये हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर और ये चिली फ्लेक्स। आप इसमें थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है और आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर चाहे तो आप इसमें लेमन का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से मसल के, ये देखिए सॉफ्ट डो हम इसका तैयार कर लिया है। और चलिए अभी हम इसका टिक्की बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। तो अच्छे से इसे पूरा मिला के आप अच्छे से इसका तैयार कर लीजिए। देखिए हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसका हम ऐसे गोला गोला आकार में एक बड़ा बड़ा बाउल लेके, और इसका टिक्की देखिए कितना अच्छा इस तरीके से हम टिक्की बना लेते हैं इसका। इसी तरीके से हम और एक दिखाते हैं आपको बना के। तो ये देखिए ऐसे ही आप दबा दबा के चारों तरफ से अच्छे से मसल के ये टिक्की बना लीजिए। देखिए बन गया। तो चलिए हम इसी तरीके से बाकियों को भी टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर ही बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ का आपको टिक्की या कौन कौन रेसिपी चाहिए, तो हम ज़रूर ही आपको बताएंगे। तो ये देखिए हमने टिक्की भी तैयार कर ले। तो चलिए इसके लिए हम फ्राई करते हैं। तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, स्लो फ्राई, तो हम इसे स्लो फ्राई करेंगे। और अगर डाइटिंग के लिए रहे तो आप बिल्कुल ऑयल, बस जीरो ऑयल में आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे बना के आप ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब 5 से 6 दिन के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बना के फ्रिज में रख लीजिए। जब भी खाने का मन है तभी बनाइए। आप शाम को नाश्ते के लिए बनाइए, सॉरी शाम के चाय के लिए बनाइए, या तो सुबह को नाश्ते या बच्चे को टिफिन के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा एक तरफ से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट भी ये टिक्की हो जाता है। आप गैस को लो टू मीडियम रखिए, ना हाई रखेंगे तो जल जाएगा, इसके लिए ध्यान में रखें आप। और इसी तरीके से हम इसे उलट पलट के हमने सेक लिया। देखिए हमें कितना अच्छा इसका कलर, देखिए कितना कलर आया है, देख और कितना यम्मी दिख रहा है। तो देखिए हमने तो एक बार 6 हमारा हो गया। चलिए बाकियों का भी जो बचा है हम उसे भी ऐसे ही इसी तरीके से स्लो फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हम बस उसमें ही थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया और बाकियों का टिक्की जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये एक बार आप ज़रूर ही ट्राई कीजिए। तो देखिए इसी तरह से हम इसे भी उलट पलट करके अच्छे से हम इसे पका लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जी डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। इस तरीके से दीजिए आप बच्चे को, एकदम हेल्दी है, बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा और इसी तरीके से बच्चे को प्रोटीन भी मिलेगा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही नाटक करता है ये सब हरा भाजी सब खाने में। तो इस तरीके से बना के दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से हेल्दी हेल्दी नाश्ता लेके आएंगे। नाश्ता, डिनर, लंच, हर तरह के हम रेसिपी लाएंगे। तो देखिए हमने सारा फ्राई कर लिया, अच्छे से हमें इसे सर्व किए। आप बच्चे लोग को निकाल के दीजिए, जैसे भी आप दीजिए, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।